नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, हज़ारों युवाओं की नौकरी पे लटकी तलवार, हाईकोर्ट ने दी अगली डेट, आखिर इनकी क्या गलती है? आपकी इसके बारे में क्या राय है? गलत है या सही, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। पूरा मामला क्या है, मुद्दा क्या है, क्या नई अपडेट आई है, यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, 2019 में के लगभग, यानी कि पिछले इलेक्शन के टाइम एक भर्ती निकली थी कलर्क की, 2020 में उसका रिजल्ट आया था, बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी गई थी। उसके बाद क्या होता है, उसका कुछ टाइम बाद हाई कोर्ट के आदेश अनुसार किसी ने केस किया होगा तो तीन क्वेश्चनों में गलती मिलती है, तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उनको सही करके आप रिज़ल्ट दोबारा से निकालो। एचएससी ने मान लिया कि हाँ, तीन प्रश्नों में गलती है और एचएससी ने दोबारा से रिज़ल्ट निकाल दिया, दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए 1178 कलर्क ऐसे थे जो 2 साल के आसपास हो गए उनको नौकरी करते हुए, उन्होंने इसके बेस पे जो है, हो सकता है बहुत सारे साथियों ने लोन भी ले लिया होगा, शादी भी करवा ली, सारे काम करवा लिए, मतलब सरकारी नौकरी के बेस पे। उसके बाद क्या होता है, दोबारा से रिज़ल्ट जारी होता है, इनको टर्मिनेट करने के लिए आदेश जारी हो जाते हैं। अब कुछ बच्चों ने क्या काम किया कि ये बोला कि हमें कोई हमारी गलती क्या है, क्योंकि इनको ना कोई नोटिस दिया गया ना कुछ, और सीधा ये बोल दिया गया कि आप जो है बाहर हो, यानी कि इनको या तो कोई गलती बतानी चाहिए, गलती किसकी, एचएसएससी की, और बाहर किसको किया जा रहा है, जो युवा नौकरी कर रहे हैं, या तो इनको ज्वाइन ही नहीं करवाते, 2-2.5 साल इनको ज्वाइन करवाने के बाद नौकरी करवा के अगर आप इनको बाहर कर रहे हो तो एक गलत है। तो बच्चों ने इसके लिए कोर्ट केस किया था जिसकी सुनवाई मतलब कल हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, अगली डेट मिल गई है, अभी इसकी अगली डेट है वो है 24 जुलाई। अब आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या ये सही है या गलत है। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।